नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में अब ग्रामीण जमा हो गए, इकट्ठा हो गए हैं। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। स्कूल प्रबंधन और आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग है। आपको बता दें कि प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पाली से, जहां पर नाबालिग छात्रा के अपहरण का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन और आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। प्रदर्शन की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीर आप देखिए, ये सामने आई है। छात्रा के पिता ने आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। और अब भरतपुर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज पुलिस का एक बार फिर से दो गन हाउस पर सर्च अभियान जारी है। मलिक एंड सन्स गन हाउस पर यह सर्च की जा रही है। कारतूस में हेरा फेरी कर आपराधिक लोगों को बचाने का आरोप लग रहा है। तो आर्म्स के पार्ट निकालकर बेचने की भी जानकारी सामने आई है। कल मोदी गन हाउस पर मिले अनाधिकृत 350 कार्टेज और 10 कार्टेज ऐसे मिले हैं जिनको रखने की अनुमति नहीं है। तो भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस का फिर दो गन हाउस पर सर्च जारी है। तो ये लगातार शिकायत मिल रही थी, उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जो आरोप लगा था, जो शिकायत मिली थी कारतूस में हेराफेरी की, उसी को लेकर कार्रवाई की गई और पूरी जांच की जा रही है। एक इनपुट मिला था कि विभिन्न गन हाउसेस जो है उनके द्वारा जो उनका स्टॉक है एम्युनिशन का, उसमें गफलत करके और इस एम्युनिशन का पिलफरेज यानी कि छुटमुट चोरी और उस चोरी को करके कहीं ना कहीं इन राउंड्स की जो बिक्री या जो है वितरण आपराधिक तत्व के लोगों की तरफ हो रहा है। इस आसूचना के आधार पे इन जो शहर के गन हाउसेस हैं उनका एक सिक्योरिटी ऑडिट कंप्लीट जो है वो करवाया जा रहा है, जिसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर मुख्य रूप से और सीओ सिटी ये दोनों इसको लीड कर रहे हैं। और कल प्रथम जो गन हाउस था उसका ऑडिट जब किया गया तो बहुत सारी उसमें कमियां पाई गई हैं, जो नॉर्म्स के हिसाब से अनुमत वेपन्स की और राउंड्स की संख्या है उससे ज्यादा जो है वो वहां पर भौतिक रूप से पाया गया है। और वहीं बारा शहर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें युवक पर गंभीर रूप से वो घायल हो गया है। दरअसल ये वारदात उस वक्त हुई जब युवक मेडिकल दुकान पर दवा लेने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने महेंद्र पर चाकू से 3 बार और कहा जा रहा है कि 3 से 4 बार हमला कर दिया, जिससे महेंद्र बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे कोटा रेफर कर दिया गया। फिलहाल कोटा MBS में युवक का इलाज जारी है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी की तलाशी की जा रही है। यार की तरफ जा रहा था, जो जावेद नाम का लड़का आया और पीछे से क्या नाम से ये चक्कू से छाती में दिए और ये हाथ पे दिए। मैं बारा जिले के ओडपुरा कॉलोनी का निवासी, मतलब ये तो 4-5 महीने पहले मेरे छोटे भाई की लड़ाई हुई थी उससे, जो फिर वो मुझसे लड़ाए कल।